हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सुदिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है संडे। और संडे ऐसा हुआ है कि रात से ही बारिश आ रही है, बस थोड़ी सी देर के लिए बंद हुई है, लेकिन अब भी कंटिन्यू झरना सा पड़ रहा, मतलब बंद नहीं है बारिश। तो कहीं ना ही बाहर जा सकते हैं और ना ही कपड़े धो सकते हैं। तो मेरा तो ये काम हुआ बंद। तो कल वल को देखते हैं, कल बच्चे स्कूल जाएंगे, कल धो लूँगी। ड्रेस वगैरह तो मैंने धो ली थी पहले ही, क्योंकि छुट्टी तो काफ़ी दिन से पड़ रही है बच्चों की, इसलिए। और संडे है, अपना सब बिजी हैं। हाँ, बारिश आ रही है। और लविस अपनी बड़ी मम्मी के गया हुआ है और मेरी नंद आई हुई है, जैसे कि आज वो चली जाएंगे, क्योंकि वो जहाँ गए थे ना, उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, वहाँ पे मीटिंग थी तो कैंसिल हो गई, इसलिए आ रहे हैं वापस। मैंने कहा चलो जी आइए, वरना कल आते वो, इसलिए आज ही आ रही। तो वो भी चली जाएंगी आज ही। और जैसिका बैठी है, वो लिख रही है कल से क्या, वो लिखती रहती है बस। चलिए मिलवाती हूँ। तो इधर देखिए, जैसिका अपना लिख रही है। आज जैसिका कुछ हेलो आए नहीं। हाँ, ये लिखती रहती है। हाँ, तो क्या लिख रहे हो जो ख़त्म ही नहीं हो रहा? फाइलों का काम हो गया तो ये क्या है? अच्छा, तो आज कोई ट्यूशन नहीं है संडे को? जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं संडे को, बहुत दृष्टि तो आई होगी नहीं? तो गाइस देखिए, लविस आ चुका है और ये लेकर आया है क्या, जैसिका लग रही है फ़ोन में और हम जा रहे हैं उधर। अभी लेकर आया इतने सारे स्नैक, तो देखिए। हेलो भाई। अच्छा, याद आ गई। तो हाँ, अब ये आ गया, हम जा रहे हैं अब। चलो, जैसिका तैयार है मेरे साथ चलने के लिए और टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो अभी तक वो आए नहीं हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे थे, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ चलो, तो चलो चलते हैं हम अपना सामान लेके। चलो चलो जैसिका। तो चलिए गाइस, नंद से मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं, बहुत देर हो गई। ताला टूली करते हुए सारा काम कर लिया, अब चलते हैं। 6 बजे में पानी भर गया। तो गाइस, लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि मैं जाते जाते नहीं गई अपने नंद से मिलने, क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, मेरा मन सा भी नहीं कर रहा था। और ये भी मतलब आए, फिर इन्हें भी नहाना धोना हुआ, मतलब काम वगैरह, इनके कपड़े वगैरह देने, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा मैं जा ही नहीं रही। और जैसिका लाई है कुछ परचेज़ करके, पता नहीं अपनी फाइल वगैरह इतनी काम में बिजी है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं, इसने कितने दिनों में ये फाइल बनाई है और क्या क्या अभी खरीद के लाई है। और तो दिखाती हूँ गाइस। गाइस सबसे पहले तो ये कौन सी मशीन है? अच्छा, और ये पेन लेके आए हैं, कितने का है ये पेन? 50। बताओ ये पेन, मतलब सिर्फ बोतल की वजह से पेन खरीदा ये? हाँ जी मैडम, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, और दिखाइए फाइल जिसमें बिजी है बहुत दिनों से। और मेरी आधी हेल्थ तो मेरी है, कुछ नहीं है। चल, अच्छा मैंने किया भाई, इनमें लड़ाइयाँ। और दिखाइए, तो ये फ्रंट तो दिखाओ पहले। तो देखिए, फ्रंट में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है इसे, पूरी एक रात तो नहीं, एक रात के जो कुछ घंटे होते हैं वो लगाए हैं, दो घंटे में ये फ्रंट बना है बस। बैक पे तो कुछ खास नहीं है। हाँ, तो ये कौन से सब्जेक्ट की है? हिस्ट्री। इतनी चित्रकला करनी पड़ती है इनमें? अच्छा, 20। तो ये है अंदर की, तो पूरे ये सारे में इसमें पूरी ड्राइंग से अच्छे से बनाते जा रहे हैं। ये तो मैं स्किप कर कर के दिखा रहा हूं। अच्छा, ये तो मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, सॉफ्ट राइटिंग में देखें, बहुत मेहनत की है मैंने। अच्छा, नदी में ही जानी है फिर भी।
पढ़ना तो पड़ता है ना, पढ़ो रद्दी में जाकर। बीस नंबर कम है, एक नंबर से तो कंपार्टमेंट आ जाती है पता है। हाँ हाँ देखा, और इधर देखिए इसने लैपटॉप चला के अपने लगे, और डैडी इसके आ चुके हैं, अब देखेंगे वो। कल तो रात मौज लिए, और आज कल जाना है स्कूल, तो करो उसे आधे को कंप्लीट। अच्छा तो चिपका दो, लाए नहीं तो कल कर लेना वो, और क्या इतनी जल्दी थोड़ी ना। तो चलिए जैसिका, पहले आप जाइए किचन तक, वहाँ पे थोड़ा काम है आपके लिए। नहीं कल तो मैं ही करूँगी, नहीं मेरा मन नहीं है। और ये मैं लेके बैठी हूँ, ये क्या है मतलब, एक दो ये प्रिंट आउट निकलवाने। अच्छा कलर में लेट हो गए ना तुम, टाइम से जाना चाहिए था तो आफ्टरनून में। नीचे से करवा लेना, तो अभी फिलहाल वो बैठे हैं और मैं यहाँ लेके बैठी हूँ कुछ मीठा। तो ये है पिंड खजूर, पिंड खजूर। अरे कहाँ है डेट्स, नहीं मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, तो मुझे अच्छे लगते हैं मतलब मैं खा लेती हूँ। अरे ये है अंडा, तो काफ़ी कम बचे हैं, खा लेती हूँ मैं भी। कभी मीठा खाने का मन करता है तो जब ले लेती हूँ। अभी दिखाती हूँ एक निकाल के, दिखाना क्या सबको ही पता है ये है, अच्छे लगते हैं मतलब मुझे तो पसंद है। बाकी घर में ये और ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हाँ अच्छा हाँ, तो चलिए गाइस, तो चलिए गाइस मैं खा लेती हूँ, फिर जब बनवाऊँगी जैसी का चाय 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 हो गई है। लेकिन सर में दर्द हो रहा, मेरा मन था ही पता नहीं, मौसम भी ऐसा हो रहा था, मन काम करने का भी नहीं था बिल्कुल भी, और ना ही कहीं जाने का मन। कई बारिश पड़ रही थी बार बार, इसलिए भी मन नहीं कर रहा था। तो जैसा भी है बस आज का दिन निकल गया बस, अब कल मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाएंगे तो कल जोश के साथ काम करेंगे। कल कपड़े भी धोने, आज धोने थे लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल कर दिए मैंने। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस यही थी आज की दिनचर्या, आज कुछ खास नहीं हुआ, जैसा कि बारिश हुई पूरे दिन तो कुछ काम नहीं हुआ, कपड़े भी नहीं धुले, अब कल धोऊंगी। देखते हैं कल भी मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली में क्या सारे में ही बारिश आ रही है, बारिश तो सारे में भी चल रही है, और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं बस कल से या परसों से, तो बस अब बिज़ी रहेंगे, ज़्यादा इधर उधर टोलना बंद। तो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। सब मिलते रहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।